मुझे बिल्कुल इस बात का आभास नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा शो के बाद जी तुम सर आते हैं तो मेरे मुँह से अचानक निकला कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं अंदर जाना नहीं है मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है मतलब अपना नाम लिख पाती है जो भी महिलाएं थी वहाँ पे मेरी माँ से शिकायत की कि अपने बेटा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हो ऐसे चीजें कर रही हो तो नचनिया हो गया नाच रहा है मेरी माँ ने कहा ठीक बात नचनिया बता हमारे खाते बात तो ममहर गया तो बगल में बारात आया हुआ था तो मैं रात में उठ के जाके नाचाया और मेरे बड़े भाई साहब पढ़ रहे थे तो उनके लिए एक लिमिटेड पैसा भेजा ही जा रहा था तो मेरे हिस्से में पैसा नहीं बन रहा था तो उस समय मैं सोचता था कि किसी दिन दस ना, तो मंडी में बी स्नैक्स पे से कुछ कर भी जाऊँ या करू भी तो कैसे बता पाऊंगा देख मई हाई सिनेमा में के साथ काम के लिए आज भी जो नहीं जानते है, मैं कोशिश करता हाथ पकड़ लेता हूँ भैया तो मैं निकला था और आने के जस्ट पंद्रह दिन बाद ही मेरे हाथ में पंचायत की स्क्रिप्ट आई थी हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज एंड फोल्डिंग टैलेंट्स आज हमारे साथ हैं पंचायत के आप सबके चहेते जगमोहन यानी कि विशाल यादव विशाल वेलकम टू द पॉडकास्ट थैंक यू थैंक यू सो मच कैसे हो आप मैं बहुत बढ़िया हूँ बढ़िया जी आपने जब पंचायत किया होगा तो ऑब्वियसली ये इतना पॉपुलर शो है तो ये दिमाग में तो रहा होगा कि हाँ लोग पहचान लोग नोटिस कर लेंगे आपको पहचानेंगे इस शो के बाद मगर इतनी पॉपुलरिटी मिलेगी इतना प्यार मिलेगा लोगों का ये सोचा था कभी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था और मुझे बिल्कुल इस बात का आभास नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा शो के बाद हालांकि ये जरूर पता था कि इतनी हिट सीरीज़ है कि मैं इसमें दो सीन भी करूंगा तो लोग लो पहचान जाएंगे कि ये एक्टर है इस सीरीज़ में काम किया है इतना हो जाएगा तो क्या चेंज हुआ चेंजेज ऐसे हुए हैं बहुत सारे लोग कि लोग मुझे जानते नहीं थे आम जन जो है मुझे पहचानने लगा है मेरे साथ फ़ोटो ले रहा है जगमोहन जहाँ जा रहा हूँ लोग पहचानने लग रहे हैं तो सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो कल तक कोई जानता नहीं था नहीं। आज ऐसी स्थिति है कि किसी भी मॉल में जा रहा हूँ या किसी सड़क पे हूँ लोग पहचानने लगे चीज़ें ऐसे होने लगी हैं फीमेल मेरे फैन से इंटरेक्शन हुआ है <laughs> 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 आ, हुआ है हुआ है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अलग अलग जो है ना एज ग्रुप के फैन जो हैं बने हैं बच्चे भी बड़ा प्यार कर रहे हैं मुझे मुझे याद है कि मैं अभी दिल्ली में था तो जहाँ रुका हुआ था मैं तो रूम ओनर को बताया नहीं था हम लोगों ने कि मैं जगमोहन हूँ तो पता चल गया तो बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचवाया सोसाइटी में और मैं एक दिन मंडी हाउस घूमने गया क्योंकि मंडी हाउस में मैं थिएटर कर रहा था तो घूमने गया तो रूम ऑनर ने फ़ोन किया कि आप जल्दी घर आएँ एक बच्ची मिलने आई है आपसे तो मैं बच्ची क्यों मिलना चाहती है तो नहीं वेट कर रही है आप आइए तो मैं जल्दी आनंद फानन में अपनी सोसाइटी पहुँचा बच्ची दो घंटे से मेरा वेट कर रही थी अब इतना प्यार उस बच्ची की आंखों में मैं देख रहा था तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए तो मैं फिर उसको आइसक्रीम खिलाया उसके साथ बहुत सारा फोटो वीडियो सब कुछ शूट किया <laughs> <laughs> तो वैसे चीज़ें हैं और लड़कियों का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कैसे प्यार कर रही हैं और लेकिन अच्छा लग रहा है <laughs> हाँ सुखद अनुभव हो रहा है तो ईशा लोग क्या पसंद आ रहा है उस कैरेक्टर में क्योंकि देखा जाए तो उसकी कैरेक्टर आर्क थी काफ़ी अच्छी बट देन वो बड़ी लिमिटेड स्पैन के लिए थी इट्स नॉट कि वो पूरे एपिसोड्स में क्या बोलते हैं यू नो थ्रू आउट थी बड़ो थोड़े स्पैन के लिए थी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थी तो आपके हिसाब से लोगों को क्या ऐसा पसंद आ रहा है उसमें देखिए जब यह स्टोरी आती है या कोई भी स्क्रिप्ट आता है तो पहले तो हम मेहनत ईमानदारी से उसको करते हैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन सा चीज़ किसको पसंद आएगा और किस रूप में लेगा ये जनता डिसाइड करती है हम अपने मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं जो हम अपने समझ से आ, लेकिन मुझे ये लगा आ, कि अलग अलग वर्ग के लोग प्यार कर रहे हैं तो उसकी ऑनेस्टी जो है बड़ा रेयर है आज के दौर में और आम आदमी जो है गाँव का जो है भोला होता है तो भोला इन द सेंस कि शहरों में ऐसे ले चुके हैं कि भोला मतलब थोड़ा सा वो है लेकिन भोला मतलब प्यारा होता है मतलब ईश्वर की कृपा है उस पर एकदम सीधा साधा साफ़ है वो कपटी नहीं कपटी नहीं है वो साफ़ है और सबसे बड़ी बात है कि अपने बुज़ुर्गों से बड़ा प्यार करता है हालांकि मैं रियल लाइफ में खुद करता हूँ तो वहाँ से ढूंढ के उसमें प्लेस किया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मुझसे बड़े हैं वो एक दिन सूरज तो मुझसे ज़्यादा देखें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास तो इस बात की रिस्पेक्ट मैं हमेशा करता हूँ तो मुझे ये लगा कि वो बड़ा जिम्मेवारी वाला व्यक्ति भी है लड़कियाँ शायद इसलिए पसंद कर रही होंगी क्योंकि उसको देखता है दादी से भी बड़ा प्यार है चीज़ें हैं और जिम्मेवारी भी है घर भी उसको ठीक करना है तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं गुण जो हैं लड़कियों को प्रभावित कर रहा होगा तो विशाल आपने जो एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की <laughs> आपने आप सातवीं कक्षा अच्छा में थे जब आप अपने गुरु चंद्रभूषण पांडे जी 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 उनके अंदर आपने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी तो सातवीं कक्षा अच्छा के बच्चे को के दिमाग में क्या था मतलब कि एक्टिंग करनी है या टीवी पे देखना है अपने आप को या फिल्मों में देखना है क्या चलता था उसको उस समय तो मज़ा आता था ये टीवी फिल्म में नहीं पता था मतलब ने? देखते थे उसका प्रभाव था अमिताभ बच्चन की कॉपी करता था मैं मिथुन की करता था ऐसे जो भी बड़े लोग जो घर में फिल्म देखते हैं आप देखते हो तो फिर उसकी कॉपी करते हो क्योंकि आपको इसमें मजा आ रहा है क्यों आ रहा है ये नहीं पता होता था जब मैं बच्चा था तो नाच आता था वहाँ पे तो मैं एक नाच देखने गया था तो उसमें एक स्टोरी था लवार होता है जिसको जोकर बोलते हैं हम लोग अच्छा तो वो जोकर एक स्टोरी परफॉर्म कर रहा था और एक मेल ही थे जो फीमेल बन के एक्ट कर रहे थे तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैं अगले दिन उसको रिक्रिएट कर रहा था अपने अनुसार और मेरी बड़ी माँ जो है देख कर हंस रही थी तो मुझे लगा कि कोई दर्शक मिल गया तो मैं और चुनहा चुनहा के जिसको मैं परफॉर्म कर रहा था तो मेरी पहली स्मृति जो है अभिनय का वहाँ से लेकिन मुझे हालांकि बिल्कुल नहीं पता था इसको क्या कहते हैं मुझे मजा आ रहा था तो मैं पाँचवीं क्लास में पहुंचा ऐसे ही करते किसी के बारात में जा नाच दिया कहीं कुछ हो गया एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि मैं ममहर जो है मामा गाँव मेरा वो भिघाई ठाकुर के जस्ट जो गाँव है सटे हुए अच्छा कुतुबपुर दियारा बोलते हैं उसको गंगा किनारे गंगा का पट्टी है वो तो ममहर गया तो बगल में बारात आया हुआ था तो मैं रात में उठ जा के जाके नाच आया <laughs> मतलब पता नहीं क्यों वो नाच आया मज़ा आ रहा है तो अगले दिन जो भी महिलाएं थी वहाँ पे मेरी माँ से शिकायत की कि अपने बेटा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हो ऐसे चीज़ें कर रही हो तो नचनिया हो गया नाच रहा है इधर ड्रामा कर रहा है तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक बा कुछ भी है लेकिन मेरे लिए है ना उसने भोजपुरी में कहा था वो शब्द मेरे कानों में रहता है कि ठीक बा नचनिया बात हमारे खतिन बा हाँ मेरी माँ ने कहा और तो वो मुझे याद है तो वैसे चलते रहा जहाँ जहाँ मौका मिलता था वहाँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था जो भी करना हो किसी आइसक्रीम बेचने वाला का कॉपी हो जो भी जैसे होता था मैं करता था तो पाँचवीं क्लास में जब मैं पहुँचा तो मेरा जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन बड़े लेवल पर करा रहा था तो उसमें पाँच प्ले डिज़ाइन हो रहे थे छोटे छोटे जो बच्चों के प्ले होते हैं पंद्रह मिनट बीस मिनट के तो ऑडिशन किया गया और मैं समझ गया था अरे नाटक होगा मतलब मजा आएगा तो ऑडिशन किया तो एक नाटक में हो गया फिर दूसरे में किया उसमें भी हो गया तो मैं कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था कि सब करूंगा एक मजा आता है ना तो पांचों नाटक में मैं मेन रोल में सेलेक्ट हो गया मुख्य भूमिका में पांचों में तो जो भी ड्रामा टीचर थे उनको लगा कि भाई अगर पांचों में ये मेन भूमिका करेगा तो मेकअप कैसे करेगा कॉस्ट्यूम कैसे इसका चेंज कराएंगे तो उसके बीच में बहुत सारे बच्चों का नृत्य गायन और पोइट का जो है तैयारी कराया गया कि बीच में परफॉर्मेंस करेंगे ताकि ये अपना कॉस्ट्यूम और मेकअप चेंज कर सके

तो मैं रातों रात चर्चा में आ गया वहाँ पे बच्चों के बीच में जो भी गार्जियंस थे काफ़ी सराहना कर रहे थे तो उसी समय मेरे ऊपर नज़र पड़ी आरा के वरिष्ठ रंगकर्मियाँ श्री चंद्रभूषण पांडे जिनका आप नाम ले रहे थे उनको लगा कि ये बच्चे में ललक है अपने करना चाहता है सीखना जानना चाहता है तो इसको गाइडेंस दिया जाए तो उनके मुख से मैं पहली बार नाट्य शास्त्र सुना तो नाट्य शास्त्र में बच्चा सातवीं क्लास का बच्चा वेदों के बारे में नहीं पता होता है तो अब सर उतना ही बता पा रहे थे जितना उनको लगा कि जब आ, करियर की बाड़ी बारी आएगी तो बताऊंगा चीज़ें कराऊंगा लेकिन मेरे अंदर इतनी ललक थी जानने का और समझने का कि मैं सर को खोदते रहता था कि सर बताओ ना क्या होता है कैसी है होती हैं चीज़ें तो सर ने बताया कि ये चार वेद होते हैं और ये पाँचवाँ वेद है चारों वेद से तो दुनिया चलती है लेकिन जब निरस्ता आ गई थी तो पाँचवा वेद क्रिएट किया गया था ब्रह्मा जी के कहने पर भरत मुनि ने लिखा हुआ उससे नाट विधा आई है उसमें अभिनय एक विधा है तो मेरा जो है ना मस्तिष्क खुल गया कि अरे भाई ये क्या है तो सीखना पड़ेगा जानना पड़ेगा और भारी हाँ बहुत भारी और मुझे मज़ा आ गया और मैं उसके वजह से इंडियन मैथोलॉजी में भी प्यार हो गया मुझे महाभारत रामायण सब कुछ सीखने लगा अच्छा। जो मुख से ही बताते स्टोरी ही बता दे वैसे ही सुन लेंगा तो वैसे बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगा और उसी समय सर ने यह भी कहा कि आसानी लवस की एक एक्टिंग सिस्टम है जो बाहर के हैं उन्होंने अभिनय पर किताब लिखा हुआ तुम अच्छा ये भी होता है क्या तुमसे जितना संभव हो रहा था मुझे बता रहे थे और उसी दरमियान हिंदी के तमाम बड़े नाटक जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे और मेरी हिंदी भी ठीक करा रहे थे उसी समय चंद्रभूषण सर ने कहा कि देखो तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है बड़ा एक्टर बनना है तो तुम्हें मंडी हाउस जाना पड़ेगा दिल्ली दिल्ली तो मुझे पहले तो लगा मंडी हाउस ये सब्जी उब्जी बिकता होगा वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं बच्चे के दिमाग में यही आता है लेकिन मैं डर से पूछ नहीं रहा था होता है बड़े हैं लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि हिंदी रंगमंच के लिए सबसे बड़ा जगह है और उन्होंने कहा कि बिहार के हैं और बहुत बड़े एक्टर मनोज वाजपेयी बिहार से गए थे मंडी हाउस और उन्होंने वहाँ अपने अभिनय की लोहा मनवाई और फिर मुंबई गए और बहुत बड़े एक्टर बने तो तुम्हें भी ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और वैसा करना चाहिए आपके पिताजी महवीर सिंह यादव वो रेलवे में काम करते हैं हाँ, हाँ। और आपकी माई गृहिणी है तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर ये सोच होती है ना कि जैसे मैं भी वैसे ही परिवार से बिलोंग करता हूँ तो एक सोच होती है कि यार आप का बच्चा एक स्टेबल जॉब ले ले जहाँ पे आप समझो आपके पास महीने दर महीने आपके पास एक तनख्वाह आती रहे और घर चलता रहे और खास के जब वो बूढ़े हो जाए तो उनका एक सहारा भी बने हाँ। ऐसे में आपका रुझान एक्टिंग की तरफ तो उस वक्त फैमिली का कितना सपोर्ट रहता था इन सब चीज़ों में उनकी क्या आपके आपको लेके इस एक्टिंग वाले चीज़ को लेकर उनका क्या राय रहता था देखिए अभिनय क्या सारी चीज़ें तो उनको नहीं पता अब पता है हालांकि एक चीज़ मुझे मान मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ट्वेल्थ तक की पढ़ाई है उनकी और पदनामा जो है फोर्थ ग्रेड में रेलवे में सिकेंड डिपार्टमेंट में जो है हेल्पर की थी उनकी अब रिटायरमेंट हो गए मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है मतलब अपना नाम लिख पाती है तो हम लोग ऐसे मानने के लिए कहते हैं कि पाँचवीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है केवल नाम ही लिख पाती तो उन लोगों की तरफ से ये भी था कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो हो सकता था कि प्रेशर होता कि तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं था उनकी तरफ से ये था कि तुम्हें जिसमें खुशी आती है वही करो और वो भी खुश होते थे क्योंकि लोग सराहना करते थे तो उनको भी अच्छा लगता था कि बेटा कुछ ठीक ही कर रहा है तो वैसा कभी प्रेशर नहीं रहा मेरे पिताजी की तरफ से मेरी माँ की तरफ से मेरे भाई की तरफ से कहीं से नहीं रहा हालांकि और सपोर्ट करते थे जितना संभव है आज भी करते हैं जितना उनसे संभव हो पाता है वो लोग करते हैं पिताजी का एक और योगदान बता रहा हूँ मैं उनको पता चला आठवीं कक्षा में जब मैं गया कि इसको एक्टर बनना है तो उनको एक्टर क्या सिनेमा ही समझ में आता है कि अब सिनेमा में काम करेगा तो उन्होंने कहा कि देखो दिल्ली कह रहे हो दिल्ली जाऊंगा फिर मुंबई भी जाओगे अलग अलग दुनिया की भाषा में काम करोगे तो अपना फोक सीखो अपना कल्चर सीखो तो उनके कहने से आ, मैं अपना फोक जो है निरंतर सीखने लगा जानने लगा जिसमें विदेशिया शैली जो है बिहार में महेंद्र मिश्र हनुमान पाठा और जो भी पोइट कर रहे थे जो भी नाटक हो रहे थे जो भी संभव था मैं भागने लगा ऐसे लोग गुनी लोगों के बीच में और उनके चरणों में बैठने लगा कि मुझे बताया जाए सिखाया जाए और मैं सीख रहा था निरंतर तो बहुत सारी चीजें सीखा अपनी माँ से संगीत भी सीखा आप गाते हो मतलब यही है कि मुझे आता है क्योंकि एक अभिनेता को पिताजी कहने की वजह से कि आप अपना फूक जान लो मुझे लौंडा नाच भी आता है सब कुछ अच्छा। आता है हाँ हाँ और भाग भाग के सीखा तो विशाल आप जैसे मंडी हाउस गए मनोज वाजपेयी जी को आप बहुत फॉलो करते थे उनसे इंस्पायर्ड थे आप मंडी हाउस गए मंडी हाउस की आपकी क्या लर्निंग्स थी वहाँ पे कैसे क्या सीखा पे जब मैं ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे के ही पहुँच गया था रिजल्ट नहीं आया था अच्छा हाँ हाँ तो मैं मंडी हाउस पहुँचा और मेरे गुरु जी जो थे वहाँ पे अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है महेंद्र में माती नाइन्टी फाइव बैच एन एच डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक क्लास सीनियर थे वो तो मेरे हिसाब से उस समय हिंदी रंगमंच में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था तो मैं उनके चरणों में पढ़ा रहा उनके सानिध्य में रहा और अभिनय की बहुत सारी जो जहाँ सीखना समझना शुरू किया तो मुझे याद है कि पहली बार अब आरा से बच्चा निकलता है तो बाहर की फिल्में उसे ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होता हिंदी तो चल रहा hmm. मुझे इंट्रोड्यूस wow. एक एक है तो तुम्हारी तैयारी इंटरनेशनल भी होनी चाहिए hmm. तो रसियन लिटरेचर से कराया उन्होंने तो वैसे ये मंडी हाउस में हुआ क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता था जो भी सीनियर थे जो उनको पता था वही बता पा रहे थे मुझे लेकिन ये महेंद्र मेवती सर का दिन है कि वैसे फिल्म इंट्रोड्यूस कराए और देखने और उस परफॉर्मेंस पे बात फिर हम लोग उसको इम्प्रोवाइजेशन भी करते थे वैसे सीन उठा के कि अपने तरीके से कैसे करेंगे तो जो भी मौका मिल रहा था जहाँ मिलता था मैं कर रहा था सीख रहा था जान रहा था और थैलो तो कर ही रहा था क्योंकि ये तो पता था पहले से तो जो भी जहाँ से चीज़ें मिल रही थी मैं कर रहा था उसका हिंदी वर्जन कि इंग्लिशन हिंदी 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 कर रहा था कहीं कहीं इंग्लिश मिक्स करके था चीज़ें तो वो भी चल रही थी ये जो आप बारीकियों की बात कर रहे हो एक्टिंग की तो मंडिया उसमें आपने ये सब सीखा बट कहीं ना कहीं आए, आपको एक वो होता ना कि आपका एक काम हो जिसके बाद आपको वो वेलीडेशन मिल जाती है कि हाँ भाई मैं ये सब चीज़ें सीख गया हूँ तो कोई काम हो या फिर किसी का वो मैसेज हो कि हाँ भाई मतलब कोई गुरु ने बता दिया कि नहीं आप कर रहे हो तो आपकी लाइफ में वो ऐसा मोमेंट कब कब आया जब आपको लगा कि हाँ आप शायद सही रास्ते पर चल रहे हो शायद आप में जिस चीज़ की ललक थी मंडे हाउस uh, में हाँ, हाँ तो मैंने एक, किया, एक स्टोरी उठाया। आ, वही उसका मेरे मुझे लगा कि अब मैं अपना प्रोडक्शन कर सकता हूँ तो वो प्ले का नाम था चैत का लौंडा चैत का लोंडा चैत का लौंडा, का लौंडा, वो, चाहित चाहित का लौंडा। आ, वो होता है चैत एक मौसम होता है होली के बाद वाला जिसमें कटनी होता है फसल काटते हैं हम लोग और वो 2016 का सबसे हिट प्ले साबित हुआ मंडी हाउस जी मुझे याद है कि जब मैं ग्रीन रूम में था और मैं उन्नीस साल का था मात्र उस समय अभी मैं सताईस साल का हूँ <laughs> <laughs> तो मैं ग्रीन रूम में साड़ी पहन रहा था उसमें लौंडा का जो भी किरदार तो एक मेरे सहयोगी दौड़ के आए और उन्होंने कहा विशाल भाई कमाल हो गया मैंने बोला क्या हुआ बोले कि जितने लोग ऑडिटोरियम में हैं उतने बाहर हैं अब जगह नहीं है किसी को बैठाने के लिए तो वही प्ले है जिससे मैं मंडी हाउस में जो है मेरी पहचान मिल बन गई कि बड़ा अच्छा एक्टर है और सारी चीजें जो है तो उसके बाद से सारी चीजें आसान हो गई सब लोग जानने लगे मुझे गाइडेंस करने लगे तो मंडे हाउस में छत के लोंडे से मैं पहचान मिल गई थी मुझे जी तो मनोज वाजपेयी से मिले कि नहीं नहीं मैं सर से मिलना चाहता हूँ <laughs> जिक्र कर रहा हूँ कि उनसे मिलना चाहता हूँ और उनके साथ सत्तु पराठा संभव हो या नहीं तो लिटी बहुत बातें करना है क्योंकि बहुत कुछ सीखना है जी जी तो विशाल जी जित जितने वक्त आप दिल्ली में रहते हैं उस वक्त अपने आप को फिनंशियली आपने कैसे सपोर्ट किया घर से हेल्प आती थी या फिर कुछ काम कर रहे थे शुरुआती दिनों में बड़ा दुख था भाई बड़ा कष्ट था क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलने ही वाला था तो मेरे पिताजी की रिटायरमेंट हो गई और मेरे बड़े भाई साहब पढ़ रहे थे तो उनके लिए एक लिमिटेड पैसा भेजा ही जा रहा था तो मेरे हिस्से में पैसा नहीं बन रहा था लेकिन मैं तय कर चुका था कि मुझे मंडी हाउस जाना है भाई हो गया तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि ठीक है जाओ हम लोग मैनेज करते हैं जो भी पैसा जैसे है करेंगे उसने भेजा और मैं नोएडा पहुंचा जहां मेरे बड़े भाई साहब रहते थे तो उसी समय उनका पढ़ाई भी ख़त्म हुआ और जॉब के जो आप इंटरव्यू चलने लगते हैं ना कि इंटरव्यू देना है तो आने जाने में भी पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे तो लगा कि भाई अब कैसे मैनेज किया जाए तो जिस पी में वो रहते थे तो एक और मेरे भाई रहते थे दो लोग मेरे गोती या पटीदार के अच्छा। थे हाँ तो बड़े अजीज हैं मेरे बहुत प्यारे हम लोग का बड़ा सहयोग गुड्डू यादव नाम है उनका अब हालांकि अब इंजीनियर बन गया है वो हाँ तो तो वो दोनों एक ही रूम में रहते थे लोग तो मैं गया तो मेरे हिस्से से बड़ा लिमिटेड पैसा जो भी बना तो पी ओनर से कहा गया कि भाई आया है और उसको मंडी हो जाएगा ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं तो उनका बड़ा योगदान है उन्होंने कहा ठीक है बस केवल खाने का पैसा दे दो उसका रहने का माफ़ करते हैं तो इतना ही पैसा था मेरे पास कि नोएडा से नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन वहाँ से फिर मेट्रो का टिकट लेके मंडी हाउस और एक रुपया ज़्यादा नहीं था और मैंने एक जगह जिक्र भी किया कि मुझे समोसा खाने का बड़ा वो है समोसा चाय बहुत पसंद है मुझे तो उस समय मैं सोचता था कि किसी दिन दस रुपये ज़्यादा होगा ना तो मंडी हाउस में बी स्नैक्स पे समोसा खाऊँगा और जी ललचता था देखता सब्जी के साथ समोसा मिलता है तो उसके चक्कर में मैं मैं बहुत सारे दिन जो है पैदल ही नोएडा सिटी सेंटर से जहाँ रहता था अच्छा पैदल पैदल ही चल देता था और ये सोचते हुए कि जो स्क्रिप्ट कर रहा था जो चीज़ें सीख रहा उसको रिकॉल करता था तो रास्ता आसान हो जाता था समोसे के चक्कर में लेकिन कर रहा था और बारिश हो जाती थी तो भीग जाता था तो मेट्रो में बैठा तो ठंड लगता था बहुत ठंड लगता था फिर उतरते ही ऐसे गन्नसे से होता था बॉडी पूरा लेकिन वो समोसे के चक्कर में हो रहा था कि दस रुपये बचा लूंगा क्योंकि दस रुपया किराया था ऑटो का शेयरिंग ऑटो का तो हालांकि लास्ट के दिनों में हो गया था कि कुछ पैसे आने अब मेरे बड़े भाई साहब को जॉब भी लग गया तो वो सैटरडे संडे मंडे हाउस आते थे बोलते जो खाना खाओ वाह हाँ तो मुझे याद है कि वी स्नैक्स तो खाता ही था वहाँ एक वो करके चाइनीज मिलता था चिल्ली पटेटो खाता था मैं वहाँ और एस आर सी में नींबू पानी अभी मैं गया था तो बहुत खाया भाई घूम घूम के खाया कैला पेचक कितना था याद है आपको वो एक ऐड किया था हमने यहाँ मुंबई में मीशो का ऐप था हाँ तो उसमें मोन्टाज था मैं तो एक सहयोगी थे उनको मैं बैठाया कुर्सी पे और ऑडिशन रिकॉर्ड तो मैंने उसको रिथमेटिक ढंग से मसाज कर दिया पूरा मुंडी हिला के पूरा मसाज करके पूरा मुझसे गाना भी गा रहा था और करके तो वो ऑडिशन पसंद आ गया और मुझे सेलेक्ट कर दिया लोगों ने और मैं गया हालांकि ऐड में वैसा कुछ नहीं है बस पहलाता हूँ थोड़ा सा ऐसे वैसे है जो भी उनकी ज़रूरत थी वैसे रखा लेकिन मैं अपने आप को सिलेक्ट करा पाऊँ इसलिए कर गया वो और तीस हज़ार रुपये मुझे मिले थे क्या बात है हाँ और मैं अपने घर भेजा और आप पहली बार क्या बोलते हैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे फिर ये कोविड के जस्ट बात है कोविड के तीन महीना पहले आया था तीन चार महीना पहले और कोविड जैसे ही हल्का हुआ था ना तो मैं भाग के आया था वहीं जाना बेचैनी जो है और बात कंटिन्यू फोन पे होते रहता था भाई कब खुलेगा कैसे होगा अभी तो लोग जानते भी नहीं हैं ऑडिशन देना है यार तो लोग जान जाए अच्छा करना है तो जस्ट खुला ही था और ये आया था मैं उस समय श्रीराम राघवन की एक फिल्म चल रही थी हालांकि अभी शूट नहीं हुई है इक्कीस अच्छा। मैं उस प्रोजेक्ट में भी शॉर्ट हो गया उस समय तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि श्रीाम सर ने मुझे शॉर्ट कर लिया है हालांकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड तो उसमें हो गया 21 से एक फिल्म वरुण धवन पहले करने वाले थे अब अमिताभ बच्चन जो अगस्त्य आनंदा है आ, वो हाँ, कर रहे हैं हालांकि हाँ। शूट चल रहा है तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है लेकिन उसमें भी शॉर्टलिस्टेड हुआ था और उसी समय ऐड लेकिन शूट में ऐड किया था तो वो प्रोजेक्ट डिले होते गया चीज़ें होते गई तो काफ़ी लंबा ऐसा हो गया अभी तो शूट ही चल रहा है ये आपने कई जगह मेंशन भी किया है कि जो आप जैसे कोविड के वक्त आए और आपका मैं इंटरव्यू देखा आपने बताया भी कि बहुत जगह ऐसा होता था पहले तो रिजेक्शन मिलते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि शॉर्ट भी होने के बाद आपको बाहर कर दिया गया राइट तो एज एन एक्टर उस वक्त क्या चलता है दिमाग मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेंटल स्टेट क्या रहता है क्योंकि आप आए हो और जैसा आपने शुरू से बताया कि आपका था कि आपको अभिनय अभिनय करना है आपको हीरो हीरो की से मतलब नहीं आपको अभिनय करना है बट आपको वो भी मौका नहीं मिल रहा है आपको बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है और डेफिनेटली uh, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो अपने घर वालों को प्रूफ करना चाहते हो तो उस वक्त मेंटल स्टेट क्या चलता रहता है जब इतना रिजेक्शन होता है और कैसे अपने आप को फिर मोटिवेटेड रखते हो देखिए अभिनय ही है देखिए शुरुआती दिनों में तो कोई जानता ही नहीं मुंबई में तो पहले तो कोशिश कर रहे थे हम कि भाई जान जाओ तो जो भी कास्टिंग एजेंसीज़ हैं आज भी जो नहीं जानते मैं कोशिश करता हाथ पकड़ लेता हूँ भैया मैं एक्टर हूँ मुझे ऑडिशन करो या इसमें इस काम दो मुझे तो उस समय तो मैं सड़क भी नहीं पता था मुझे कि ये सड़क कहाँ जाएगी आप आए हो तो इतनी बड़ी शहर समंदर देख के डर लगता है मैं जीवन में पहली बार समंदर यहीं देखा हूँ अच्छा तो हाँ समंदर से डर लगता था कि और मैं जब दो तीन महीने जहाँ था वहाँ समंदर की आवाज़ आती थी तो और डर जाता था रात में अरे भाई इतना बड़ा शहर है समुन्दर की आवाज़ आ रही है कैसे बताऊँगा किसी को कि मैं एक्टर तो डिसाइड किया कि पहले सड़क ही पता कर लेते हैं भाई कि यह सड़क कहाँ जाएगा तो बस ब्रेकफास्ट करके पानी का बोतल लेके पैदल निकल जाता था कि अच्छा ये जुहू जाएगा ठीक है तो आंखों से अनुभव करते हैं कि ये सड़क कैसा है कैसी सारी चीज़ें अंधेरी लिंक रोड कौन सा जाएगा तो वैसे मैं छानना बिनना जो होता है ना शुरू कर दिया तो उसी समय मेरे बहुत सारे जो सीनियर हैं वो सड़क पर ही टकराने लगे अब घूम रहे हो कोई टकरा गया बोले अरे आ आगे हो क्या बोले हाँ तो आओ इस चाय दुकान पर मिलते हैं शाम में अच्छा।, तो, अच्छा अच्छा दादा ठीक है अब उस चाय दुकान पर गया तो पता चला कि अरे तो ये भी यहीं है ये भी यहीं है सब तो यहीं है आस पास तो एक ठिकाना मिल गया हम लोगों को एक चाय दुकान पर तो हम लोग वहाँ मिलने लगे फिर हुआ कि मिलने लगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने लगा कि इस कास्टिंग वालों से मिलो यहाँ मिलो ले लो नंबर ले लो मेरा रेफरेंस दे देना तो जो भी ऑडिशन छोटे मोटे रोल के आने लगे तो मैं करने लगा तो मुझे तो भाई मौका चाहिए कैमरा कहाँ है ये बताओ अभिनय करने में जो मज़ा आता है अच्छा खराब आप डिसाइड कर लेना मुझे अभिनय करने दो तो उसमें हम लोगों को लगा कि यार अच्छा करता है अच्छा एक्टर है तो इसको बड़े रोल में ऑडिशन किया जाए तो बड़े रोल में मैं शॉर्टलिस्टेड होने लगा तो मैं तो खुश हो गया था खुश होने लगा था लेकिन धीरे 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 ऐसे हुआ कि केवल शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था फाइनल नहीं हो रहा था उस दौरान आप रखते कैसे हो खुद को मतलब मेंटल स्टेट कैसे रखते हो कि भाई कि आप, आप भी रहता है? क्योंकि ऐसे जब जब नेगेटिव चीजें हो रही है को, को कैसे रखते हो और कैसे खुद को मोटिवेट करते हो ये बहुत लोगों को भी काम आएगा जो अभी ऑडिशन दे रहे हैं या वो उसमें यही है कि मुझे जो काम आता है हाँ वो आता है ये मुझे पता है लेकिन मेरी छोटी बहन जो है Uh, वो बस यही बोलती थी uh, मैं बोलता था कि लाला इसमें नहीं हुआ यार और तीन महीने चार महीने छः महीने पता नहीं मेरे लुक का कब आएगा कब शॉर्ट लिस्टेड होंगे क्योंकि इसमें समय जा रहा है मेरा तो कहती थी कि अरे पागल हो तुम शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हो मजाक थोड़ी है बहुत सारे लोगों में तुम शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हो लोग तुम्हें जानने लगेंगे तो किसी दिन भी तो एक मौका आएगा कि तुमको लोग बोलेंगे कि ये रोल यही करेगा तो लगे रहो ना और इतनी सोचें क्या बात है जो आता है उसको मेहनत मददारी से करना है

तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि उन्होंने तो कैमरे के सामने मौका तो दिया ये बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि अभी ना बहुत सारे एक्टर्स को देखता हूँ जो अभी कर रहे हैं कि यार छोटा सा रोल मिला या साइड रोल मिला तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं तो लाइटली लेते हैं बट दिमाग में ये भी चलता रहना चाहिए कि यार आ, क्या पता डायरेक्टर को वो छोटा सा चीज़ पसंद आ जाए बिल्कुल उसकी बिल्कुल वैसे फिर बड़ा कुछ मिल जाए बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है हमें हमें तो भाई जो मौका दे रहा है वही बड़ी बात एक वक्त आया था जब आप को यहाँ के रिजेक्शन्स मिल रहे थे और फिर आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी आप वहाँ चले गए थे वहाँ से आपने बताया कि हाँ वहाँ पर क्योंकि पिताजी आपके रिटायर्ड हैं माँ बीमार हैं भाई बाहर रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में फिर उस वक्त क्या चलता था दिमाग में यार क्योंकि डेफिनेटली एक घर पे कोई एक इंसान चाहिए जो कि घर की देखभाल कर सके और आपने इतना एफर्ट मारा है मुंबई में बट फिर भी अभी उतना कुछ काम नहीं मिल रहा है तो उस वक्त क्या कभी मन में ऐसा आ रहा था कि यार मैं काम छोड़ दूँ यहाँ पर रहूँ घर संभालूँ कैसे उस वक्त क्या था दिमाग में आपके देखिए मैं मेरी जो माँ है ना मैं माँ का बड़ा योगदान है जी। आ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जो सबसे दुख था आज भी माँ झेल रही है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है अभी इम्प्रूव कर रही है हाँ तो अब हालांकि पहचान जाती है मुझे सारी चीज़ें अच्छा, जो है पहचान ही नहीं देती है हाँ मतलब पूरी तरह से पैरालिसिस किसी को मार दे आपको पता ही तो वेट पर उसको शौच के लिए भी ले जाना ले आना सारे कुछ कराना तो आप समझ सकते हैं उसको उठा के जो है तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी वो क्योंकि जब आप जो फील्ड में यहाँ मेहनत कर ही रहे हो बहुत सारी चीज़ें नहीं बन रही थी इमोशनली तो टूट तो रहे हो आप और ये मेरे मन में चल रहा था कि यार कुछ कर भी जाऊँ या करूँ भी तो कैसे बता पाऊँगा कुछ हालांकि ज़्यादा हो गया कि माँ देख भोजपुरी में हालाँकि मैं माँ से माई बोलता हूँ कि देख माई हाई सिनेमा में हाई एक्टर के साथ काम के लिए बने या हम हाई में काम के लिए बने देखते तो किसको बोलूँगा तो मेरा बीपी जो है लो हो जाता था पसीने आने लगते थे बड़ा परेशान रहता था तो चल रहा था कि एक जवान बेटा सोचता है कि अपनी माँ को कैसे ठीक कर दे यही पहले माइंड में चलता है बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे ठीक कर दूँ मतलब कौन सा जतन करूँ होता है ना जी। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था और वो स्थिति देख के बड़ा दुख हो रहा था बड़े भाई साहब चले गए लेकिन उसी समय मेरी छोटी बहन ने कहा कि अरे यार तुम क्यों निराश हो रहे हो इससे लड़ते हैं हम लोग तो तुम मुंबई जाओ क्योंकि अब तुम्हें लोग जानने लगे हैं शॉर्टलिस्टेड हो रहे हो तो कोई तो एक डायरेक्टर आएगा जो बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा तो तुम करो ना जाके मेहनत करो ना चीज़ें करो तुम क्यों यहाँ बैठो जो भी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी ज़्यादा होगा तो आ जाना वो आपसे कितनी छोटी है तीन साल छोटी है मुझसे अच्छा तो उसने धक्का दिया और मैं कैसे भी करके घर से बाहर निकला था कलेजे पर पत्थर रह के आप समझ सकते हैं और समाज का ताना भी होता है कि दोनों जवान बेटे बुजुर्ग माँ बाप हैं और बीमार हैं छोड़ के बाहर चले गए होता है और ये सारी ताने जो है मेरी छोटी बहन सुन रही थी लेकिन वो बोल रहे थे अरे वो निराश होती थी बोलते अरे अच्छा करोगे ना सब अच्छा बोलेंगे लोग तो ऐसे बोलेंगे नहीं का छोड़ के जा रहा आपका दुख थोड़ी ही समझ रहा है वो तो मैं निकला था और आने के जस्ट पंद्रह दिन बाद ही आ, मेरे हाथ में ये पंचायत की स्क्रिप्ट आई थी ऑडिशन के लिए जी। अपने रघुवीर यादव जी के साथ भी वर्कशॉप के रहे पहले जी जो तो उनके साथ जैसे जब पंचायत के सेट पे जब आप गए थे तो उन उनके साथ या फिर जैसे और भी सीनियर कलाकार हैं वहाँ नीना गुप्ता जी हाँ। हैं फिर पंकज झा हैं इन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके तो सीन सीन भी आपका एक हाँ वीर सर और नीना हाँ। देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जैसे मैं मनोज सर का नाम जो मेरे कानों में डाला जा रहा था तो जब मैं उनको सीखने जानने समझने लगा तो वो निरंतर नाम जो है रघुवीर यादव सर का ले रहे थे मतलब वो उनको अपना गुरु कहें और सारी चीजें जो उनसे सीख रहे थे जो वो मंडी हाउस पहुंचे थे तो वहाँ पे रघु सर से मैं सीखते थे हम लोग वैसे ही कोने में बैठ के तो सोचते थे कि किसी दिन इतने कमाल के एक्टर हैं यार काम करने का मौका मिले हाँ वो क्योंकि जब आप थिएटर सीखना जानना समझना शुरू करते हो तो रघु सर का नाम आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और पहला दिन पहला शॉट जो है रघु सर के साथ ही था तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो रघु सर सामने करते बोले हाँ हाँ यादव जी आइए नहीं लगा सर मुझे जानते हैं क्या <laughs> क्या होता है ना लेकिन उन्होंने मुझे लाइट किया और बहुत सहज महसूस कराया बड़े कमाल के साथ मजे लेके सीन हम लोगों ने शूट किया और मैं निरंतर उस सीन में कोशिश कर रहा था और अंदर की भावना बता रहा हूँ मैं कि सर का जो शैडो है ना मेरे ऊपर पड़े ये सच्चाई बता रहा हूँ दिल से और मैं निरंतर कोशिश कर रहा था कि सर के पीछे खड़ा हो जाऊँ अच्छा कि उधर से सूरज की रोशनी आए तो सर से टकरा के मेरे अंदर आए मेरे ऊपर आए कि कुछ गुण ही आ जाए मेरे अंदर और मैं उनसे कुछ सीख जाऊँ कुछ धन्य हो जाए मेरा जो है चीज़ें आगे बढ़ जाए तो आप देखेंगे वो शॉर्ट में मैं बाइक पे पीछे हूँ उठाता हूँ हालांकि और पीछे ही हूँ तो उस शॉर्ट में ऐसे अपना हाँ। सर बाहर करता हूँ हालांकि मैं और बाहर हो सकता था फ्रेम इतना वाइड है कर सकता लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि जो भी उधर से छाया आए वो सर से टकरा के मेरे अंदर आए मेरे ऊपर आए कि मैं थोड़ा गुनी हो जाऊँ उनका गुण जो मेरे अंदर आ जाए तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात थी रघु सर के साथ सेट पर आपको माहौल कैसा लग रहा था उस वक्त इंप्रोवाइजेशन करने का मौका मिल रहा था ये सब चीज़ हाँ हाँ मिल रहा था बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं दीपक कुमार हाँ सर और लव यू सर बहुत प्यार है हाँ हाँ अरे बहुत प्यार और सर मौका देते हैं मैं जो भी बना के गया करें तो छूट देते हैं कि करो क्या करना है तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड किया और सर ने मौका दिया बोल हाँ रखो अच्छा है क्योंकि जब आप अभिनय करते हो तो बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस भी और किरदार के हवाले से उस जवान में उस शब्दकोश में आता है तो आप यूज करते हो तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया है और उसमें योगदान सर का डायरेक्टर सर का एग्जाम्पल जैसे कि आ, अंदर जनानी है भाई एक मैं बोलता हूँ कि जीतू सर आते हैं और बोलते हैं मेरे घर पे आते हैं लौकी को वो पता करने के लिए है कि नहीं तो मेरे से अचानक निकला कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं अंदर जाना नहीं है भाई अच्छा वो इम्प्रोवाइजेशन था हाँ तो वो लाइन नहीं था बहुत सारे एक है कि भुवन फूट गया था <laughs> भुवन फूट गया था मतलब जो चेहरा है टूट गया था पुरवैया बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा ये सारी चीजें जो है तो ये संभव हो पाता है हालांकि इतनी कमाल की स्क्रिप्ट है और इतनी उमदा राइटिंग है आप देख ही पा रहे हो कि भारत का नंबर वन सीरीज बन चुका है लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है जब आपकी ये जब पंचायत में जगमोहन का जो कैरेक्टर प्ले किया हमारी इंडस्ट्री वर्क करती है टाइप कास्ट पे हाँ। तो आपको लगता है आपको जैसे कि वासीपुर के बाद भी पंकज त्रिपाठी को भी लगा था कि भाई मेरे को अभी सब सुल्तान वो काटने वाले रोल देंगे लेकिन लकीली उन्हें क्या बोलते नील भट्ट सनाटा मिली जब उनको दूसरा भी कुछ दिखाने का मौका मिला तो ऐसा आपको लगता है कि आप भी कुछ एक डिफरेंट कोशिश मतलब रोल चाहते हैं जो आपको डिफरेंट आपका एक साइड दिखा सके लोगों को कि आप टाइप ना हो पाए हाँ हाँ मुझे तैयारी जो है सब कुछ की है मेरी है। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे सब कुछ आता है तो मुझसे रोमांटिक करा लो या खुंखार अपराधी मैं किसी का कत्ल करूंगा आपका कलेजा हिल जाएगा कि ये इतना कैसे खूंखार हो सकता है तैयारी सब कुछ है मुझसे लार्जर दैन लाइफ किरदार करा लो आप गांव का कर रहा हूँ टक्सीडो पहना दो या कुछ भी करा दो क्योंकि अपनी तैयारी वैसे है क्योंकि मैं पहले डिसाइड कर चुका था कि मुझे सब कुछ करना है तो हम मेरे हाथ में जो है अभिनय करना है तो वही करेंगे मेहनत ईमानदारी से सारी चीज़ें विशाल पंचायत की एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम जगमोहन की बात कर रहे हैं और अम्मा जी की बात ना करें तो फिर ऑडियंस नाराज हो जाएंगे तो जो अम्मा जी का किरदार निभाया है आबा शर्मा आभा शर्मा जी ने बहुत ही उमदा अभिनय किया है उसमें उनका भी हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है बिल्कुल तो उनके साथ काम करने का अनुभव उनके साथ इक्वेशन कैसा रहा पूरे सेट का माहौल कैसा रहा उनके साथ क्योंकि आपके जो ज्यादातर सीन्स हैं नाइन्टी परसेंट सीन्स के साथ हैं उनके साथ अनुभव कैसा रहा बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और मैं तो उनसे निरंतर सीख रहा था Uh, ये चीज़ कि अभिनय के प्रति इतना पैशनेटेड होना इस उम्र में किसी के सहारे से आप सेट पे पहुँचो फिर अभिनय में इतना रम जाओ इतना अच्छा अभिनय करो मेरे लिए तो लर्निंग है कि इस एज में कैसे मोटिवेट है भाई इतना अभिनय अच्छा अभिनय करने के लिए तो मैं तो निरंतर उसे सीख रहा था उनसे और उनका बड़ा प्यार था मेरे प्रति हाय आज भी वॉइस नोट आता है उनका अच्छा हाँ अच्छा, अच्छा। जगमोहन अच्छा। बोलती हैं और ये जैसे फ्रूट आता है सबके लिए सेट पे आप शूट करते हो तो सब अपना अपना खा गए लेकिन वो बोलते अरे जगमोहन बेटा खाओ मुझे मेरे में से लो तो मैं उनका दिल रखने के लिए खाता जरूर था तो इतना प्यार इस एज में इतनी सारी चीज़ें और अभिनय के प्रति इतना पैसनेटेड होना तो सारी चीज़ें मैं सीख रहा था और कितनी उम्दा एक्ट्रेस आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर निकल के जो आ रहा है बिल्कुल तो विशाल पंचायत के बाद आपकी लाइफ तो चेंज हो गई आपने बताया मतलब लोग अब पहचानने लग हाँ। गए रहे सब बट काम के मामले में क्या बदला है अभी कुछ अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या अभी आप ढूंढ रहे हो काम वैसा है कि जिन लोगों को मैं बताना चाहता था कि मैं एक्टर हूँ तो वो लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो सामने से तारीफ़ कर रहे हैं यार अच्छा एक्टर है बढ़िया किया तो इस प्रोजेक्ट में ऑडिशन करना है इस डायरेक्टर से मीटिंग करवाना है तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई जिनके पास मेरा नंबर है वो फ़ोन कर देते हैं या रैंडम नंबर नहीं है सड़क पर मिल गया तो वहाँ तारीफ़ कर देते हैं तो नज़रिया चेंज हो गया है मेरे प्रति उन्होंने उन लोगों को लग गया कि एक्टर है बढ़िया करता है और अच्छी चीज़ है तो बहुत सारे ऑफ़र भी आएँ चलिए साल हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा काम मिले और हम और भी ज़्यादा ऐसे आपका एक्टर निभाओ जिनको लोग याद रखें फिर आप इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा कैसा आपका एक्सपीरियंस पूरा होगा बहुत अच्छा लगा दिल से बात की हम लोग और मैं कोशिश करता हूं कि दिल से ही बात करें और अच्छा वाइब है आपके यहाँ हाँ अच्छा वाइब है और चाय भी बहुत अच्छे से पहुंच चाय भी बन रही हा? हा? है दोबारा <laughs> <laughs> समोसे के साथ हम तो चलिए विशाल थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट थैंक यू थैंक यू सो मच भाई हेलो 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 मेरा नाम विशाल यादव है मुझे आपने पंचायत थ्री में देखा होगा जगमोहन करते हुए Uh, मैं डिजिटल कमेंट्री के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ मुझे बात करने में बड़ा मज़ा आया बड़े गुनी लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं और इनसे बात करने में बड़ा सुकून मिल रहा था तो आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मिलियन में पहुँचा दें बहुत तरक्की करें इन लोगों की और मुझे बड़ा मज़ा आया तो उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा थैंक यू सो मच